नमस्कार स्टूडेंट, उच्चिष्ट निम्निष्ट प्रश्नावली में 6.5 का ये सबसे आखिरी सवाल लगभग है। अब इस आखिरी सवाल के साथ आप अपना ध्यान बनाए रखिए ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए। तो आप समझने के लिए अगर तैयार हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखना, मज़ा आएगा। 8 नंबर का सवाल है ये। देखिए, सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाली लंबवृत्ति शंकु का अर्धशीर्ष कोण इतना होता है। यहाँ पर 2 बात बोली गई, पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ और आयतन मतलब आयतन। यहाँ पर शंकु बनेगा, लेकिन क्या होगा, लेकिन उसका संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, हम त्रिज्या को आर लिखते हैं, ऊंचाई को एच और तिरछी ऊंचाई को एल लिखते हैं, ठीक है। अब एक संबंध तो आप जानते हैं यार, इसमें तीनों में एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। दूसरा चीज, आप इसका पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र अगर हम लगाएं तो संपूर्ण पृष्ठ यस बराबर हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या है, वक्र पृष्ठ है, केवल ऊपर वाले का यहाँ से लेकर के यहाँ तक, केवल ये गोल कोण जो बना है ना, कोण त्रिभुज, उसका इसका जो नीचे का एरिया है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। अगर हम पाई आर स्क्वायर को इधर लाएं तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर बनेगा बराबर क्या, पाई आर एल। पाई आर को इधर लाएं तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर बराबर एल। क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अब आयतन का सूत्र बी बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, अब एच का मान हम कहाँ से निकालेंगे मुझे पता ही नहीं है, लेकिन निकाल सकते हैं। कैसे, दोनों पक्षों का पहले हम वर्ग कर दे रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर 1/3 को 1/9 लिख देंगे, पाई स्क्वायर लिख देंगे और आर स्क्वायर को आर की पावर 4 लिख देंगे और लिख देंगे एच स्क्वायर। ऐसा हम किए इसलिए कि एच स्क्वायर का मान यहाँ से लाएंगे क्या बनेगा, एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। एच की जगह पर हम इसको लिखेंगे, एच की जगह पर हम अगली लाइन में एच स्क्वायर की जगह पर अगली लाइन में हम ये लिखेंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, इसका मान क्या है कोष्टक में लिख देंगे एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका वैल्यू वहाँ से, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब एल स्क्वायर का भी मान तुम यहाँ से लाओ, एल का मान इतना है ना, एल स्क्वायर का मान कितना होगा, इसको कोष्टक में बंद करके होल स्क्वायर लगा देना। तो एल की जगह पर एल का ये वाला मान रख कर होल स्क्वायर लगा दो तो बी स्क्वायर बराबर 1/9 दिखाई दे रहा, हाँ, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एल की जगह पर एस माइनस पाई आर स्क्वायर, एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में क्या रहेगा पाई आर। अब इतने पर क्या रहेगा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एल के ऊपर स्क्वायर है, फिर माइनस आर स्क्वायर। आप कैलकुलेशन से घबराओ मत, देखो रास्ते में चलोगे तो हमेशा बहुत चिकनी और बहुत बराबर सड़क नहीं मिलेगी, कभी आपको ऊबड़ खाबड़ मिलेगा, कभी आपको चलने में ठेस लगेगा, कभी बहुत ब्रेक फेल होगा, बहुत हचक लगेगा, कभी बड़ा आनंद आएगा। तो ऐसे ही ये मैथ, कभी आसान सवाल, कभी मीडियम सवाल, कभी हाई लेवल, कभी लो लेवल, कभी बहुत ज़्यादा जटिल, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको एक साथ में चलना है। अब मैं इसका इधर कैलकुलेशन करता हूँ, बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4। अब बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा तो यस स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 इंटू यस पाई आर स्क्वायर यस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, माइनस का आर स्क्वायर बगल में भी रहेगा
ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब अगली बार इन दोनों का गुणा इसमें करूँगा तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर, थोड़ा महीन महीन लिखता हूँ, 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, बड़े ब्रैकेट में क्या होगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये माइनस 2s पाई आर स्क्वायर और इसका इसमें जब गुणा होगा तो माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 होल अपन हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा ये दोनों, ये और ये दोनों कट जाएगा, ये माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, याद रहेगा कट जाएगा ना। और फिर क्या कटेगा, ये दोनों कट जाएगा इन दोनों से, बोझ हल्का हो गया, बी स्क्वायर बराबर 1/9 ये दोनों कट जाएगा, ये 2 घात ये 4 घात, यहाँ पर 2 घात बच जाएगा। ठीक है, अंदर ये और ये दोनों कट गया, ये और ये बच गया है एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, बटे में कुछ नहीं, बटे में कुछ नहीं क्योंकि कट गया है। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर को मान लेंगे कुछ दूसरा अल्फाबेट, वी स्क्वायर को लिख देंगे माना वी स्क्वायर इक्वल टू पी, ऐसा होता है बेटा, कुछ दूसरा चीज़ मान के सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा पी बराबर 1/9 आर स्क्वायर। अब इस आर स्क्वायर को यहाँ और यहाँ अंदर भेज दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्या होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, यस स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2s पाई आर की पावर 4, नहीं समझे, समझो आर स्क्वायर गया इधर गुड़ा हो गया एस स्क्वायर में, एस स्क्वायर गुड़ा से आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आर की पावर 4 हो जाएगा, बाकी 2s पाई, 2s पाई, इसको 25 मत समझना नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। ठीक है, इतना हो गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, एक लाइन और यहाँ लिखते हैं डी पी अपान डी आर, आर के सापेक्ष, तो 1/9 बाहर ही रहेगा, अंदर आर स्क्वायर का अवकलन होगा तो क्या हो जाएगा 2r यानी 2s स्क्वायर आर, माइनस यहाँ पर जब अवकलन होगा आर की पावर 4 का तो 4 × 2 = 8 यस पाई आर की घात 3, क्लियर। अब जब पहला अवकलन हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रख देते हैं, तो अब रखने वाले हैं इधर मिटाते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से बेटा, हम इसको 0 रखेंगे तो बच्चे का 1/9 2s² r माइनस 8s πr³ बराबर 0। अब एक काम करो भाई, 1/9 0 के नीचे गया, 0 हो गया। दूसरा काम करो भाई, 2 से दोनों पक्षों में भाग दे, 2 चला जाएगा 8 चला जाएगा। तीसरा काम करो भाई, r भी दोनों से काट जाएगा, मतलब क्या कॉमन हो जाएगा, देखो 2sr कॉमन हो जाएगा, 2sr कॉमन होगा तो क्या बचेगा यहाँ, एक बार s माइनस ये हो जाएगा 4, यस कॉमन हो जाएगा पाई बचेगा, आर कॉमन हो गया तो आर स्क्वायर बचेगा बराबर 0। अब 2sr अगर चला जाए 0 के नीचे तो सब 0 हो गया, आर बराबर भी 0 हो जाएगा, अगर द्विघात समीकरण के देखा जाए तो यस बराबर 0 आर बराबर 0, तो आर 0 हो ही नहीं सकता है। अगर तुम आर 0 कर दोगे तो कहाँ शंकु बनेगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, इस नाते आर बराबर 0 लेना इम्पॉसिबल है। ठीक है, हम केवल इस ब्रैकेट के अंदर वाला एस माइनस 4π आर स्क्वायर बराबर 0 करेंगे, एस बराबर आ जाएगा 4π आर स्क्वायर। ठीक है, अब एस के इस मान पर इसका द्वितीय अवकलन क्या आना चाहिए, महत्तम लिखा है ऋणात्मक आना चाहिए, तो अगर तुम इसका द्वितीय अवकलन करोगे, दोबारा अवकलन कर दो और एस का मान रख देना 4π आर स्क्वायर, तो गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है, क्या आएगा माइनस में, करके चेक कर लेना। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, यहाँ पर मैंने क्या लिखा था शुरुआत में,
शुरुआत में मैंने क्या लिखा था, मुझे याद नहीं है, आप लोग तो नोट किए होंगे शायद। एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। मैंने शुरुआत में क्या लिखा था, मैं लिख देता हूँ इधर। शुरुआत में जब सवाल शुरुआत हुआ था तो मैंने एल का मान निकाला था ना, उसी में एस का मान रख दो, काम हो जाएगा। क्योंकि एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर, यही था ना। हाँ, एल बराबर एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। अब एस की जगह पर एस का मान अगर ये रखते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। एल बराबर एस की जगह पर चार पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में पाई आर। चार पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटेगा तो तीन पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर। पाई पाई कट गया, आर आर कट गया, एल बराबर तीन आर। ठीक है, या आर को इधर लाओ, एल बटे आर बराबर तीन बटे एक, या इन दोनों को पलट दो, या आर बटे एल बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे तीन। ठीक है, तो आर बटे एल है क्या भाई साहब, आर बटे एल को क्या लिख सकते हो, देखो जरा, ये कोण अर्ध शीर्ष कोण माना जाएगा ना, इसमें देखो अर्ध शीर्ष कोण इतना होता है, तो इस कोण के लिए ये क्या हुआ, लंब हुआ। ध्यान देना मेरे भाई, इस कोण के सामने ये भुजा है, तो ये आर को, ये आर है, आर को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये लंब और ये क्या कर्ण, तो लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, साइन थीटा। लंब बटे कर्ण साइन थीटा, यानी आर बटे एल को बोलेंगे साइन थीटा बराबर एक बटा तीन। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक बटा तीन। यही मेरा आंसर है, यहाँ पर देखो साइन इनवर्स एक बटे तीन, थीटा का मान हमारा आ गया। तो मुझे उम्मीद है मेरे उन प्यारे सब्सक्राइबर से और मेरे उन पेड क्लास के स्टूडेंट से जिन्होंने फीस दे करके, बहुत थोड़ी सी फीस दे करके मुझसे पढ़ाई करने का इरादा किया है। लेट है लेकिन परफेक्ट है, अच्छा है, बढ़िया है, आपको समझ में आया होगा ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली प्रश्नावली में। तब तक बने रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ।